तो विजुअल बेसिक सबसे पहले हम देखते हैं कि ओपन कैसे करना है। अगर आपके कंप्यूटर में विजुअल बेसिक इंस्टॉल है तो आप ऐसा ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आपको विजुअल बेसिक 6.0 दिखेगा, या ऑल प्रोग्राम में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 6.0 ऐसा दिखेगा। इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक ये इंस्टॉल करना पड़ता है ये सॉफ्टवेयर को, ठीक है। अगर इंस्टॉल्ड है तो ऐसा आप ओपन करोगे, ठीक है। ओपन करते ही आपको जो सबसे पहली स्क्रीन यहाँ पे दिखाई देगी, इस तरीके से ओपन होगा और ये पहली स्क्रीन ऐसी दिखाई देती है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है स्टैंडर्ड exe और ओपन पे क्लिक कर देना है। ओपन पर क्लिक करने के बाद ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं IDE। इस स्क्रीन का क्या नाम है? IDE। अगर मैं इसको लिखने के लिए बोलूं तो ये स्क्रीन का नाम है IDE। IDE का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एनवायरमेंट ठीक है। तो ये जो विजुअल बेसिक जैसे ही हम ओपन करते हैं तो विजुअल बेसिक की IDE ओपन हो जाती है। और IDE में बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, जैसे ये वाला हिस्सा जो है, इसको मैं इधर ले आ रहा हूँ, इसको बोलते हैं टूल बॉक्स। क्या बोलते हैं? टूल बॉक्स। वैसे ही यहाँ पर आप देखोगे ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, ये प्रॉपर्टी विंडो। तो अब हम इसको समझते हैं कि किस हिस्से को क्या कहते हैं, क्लियर है। तो पहले IDE को समझ जाते हैं, IDE को समझने के बाद ही हम इसमें वर्क कर पाएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये ऊपर जो हिस्सा दिखा है जिसमें प्रोजेक्ट वन लिखा है, इसको बोलते हैं टाइटल बार। यहाँ पे टाइटल दिखाता है, इसमें हम विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट बनाते हैं। आपका दो सब्जेक्ट है, प्रोजेक्ट भी रहेगा विजुअल बेसिक के साथ, तो वही बनाना रहेगा, इसी में बनेगा। उसके नीचे यहाँ पर फाइल एडिट व्यू दिखा हुआ है, इसको बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। इसके नोट्स भी मैं भेजूंगा ग्रुप में, आप लोगों का कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उसमें ऐड कर देना, मेरे नंबर में बताऊंगा। मेन्यू बार ये आपको दिख रहा है, इसके नीचे आपका है, इसको बोलते हैं टूल बार। यहाँ पर फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑप्शंस को रखा जाता है ताकि हम बार बार उस ऑप्शन को यहाँ पर ढूंढे ना, यहाँ पर हमको डायरेक्ट मिल जाए। जैसे सेव करना है तो फाइल में जा करके सेव करेंगे या यहीं पर डायरेक्ट क्लिक कर देंगे, तो सेव वाला ऑप्शन बार बार यूज होता है, इसलिए फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑप्शंस को टूल बार में रखा जाता है ताकि हमारा समय बचे। इसके नीचे यहाँ पर जो दिख रहा है इसको बोलते हैं टूल बॉक्स, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये टूल बार है और ये टूल बॉक्स है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और इसमें ये वाला जो हिस्सा है ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर और इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज विंडो। बीच में है फॉर्म डिजाइनर विंडो, और इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे या यहाँ पर देखो व्यू कोड दिख रहा है, तो क्लिक करोगे तो ये जो खुलेगा इसको बोलते हैं कोड विंडो। ये आपका कोड विंडो है, ये फॉर्म डिजाइनर है, कोड विंडो है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, तो एक IDE में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट आपने देखा टाइटल बार, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट आपने देखा टूल बार, तीसरा देखा आपने टूल बॉक्स, चौथा देखा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, अगला देखा प्रॉपर्टीज विंडो, अगला देखा आपने फॉर्म डिजाइनर, अगला देखा कोड विंडो। इसके अलावा भी और भी चीजें हैं जो यहाँ पर, अभी सब चीजें एक ही स्क्रीन पर दिखाना मुश्किल है। तो ये कुछ कॉमन कंपोनेंट्स, आईडी जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलके बना है। कुछ कंपोनेंट के नाम आप यहाँ पर देख रहे हो और उनको आपने देखा, जैसे टूल बार यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो इस आईडी को समझना हमको जरूरी है, तभी हम इसमें काम कर पाएंगे। तो एक एक करके हम सबसे पहले टूल बॉक्स को समझना चालू करते हैं, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमने अभी जो टॉपिक पढ़ा आईडी, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है आईडी। आईडी का एक कंपोनेंट है टूल बॉक्स, और टूल बॉक्स को हम पढ़ेंगे। टूल बॉक्स के अंदर कंट्रोल्स होते हैं, इसके अंदर जो दिख रहे हैं ये छोटे छोटे आइकन्स, इनको क्या बोलते हैं? कंट्रोल्स। क्लियर है?
यहाँ पर जो दिख रहे हैं ये कंट्रोल्स नहीं है, ये कंट्रोल्स हैं। अब आप इसको गिनती गिनेंगे तो 21 यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो बाय डिफॉल्ट इसमें 21 कंट्रोल्स होते हैं जो कि स्टैंडर्ड कंट्रोल कहलाते हैं। इसके अलावा आप और कंट्रोल्स को इसमें जोड़ भी सकते हैं। जो कंट्रोल्स आप बाहर से जोड़ते हैं उनको एक्टिव एक्स कंट्रोल भी कहा जाता है। क्लियर है? तो अभी हम ये टॉपिक पढ़ना चालू करेंगे, टूल बॉक्स में कंट्रोल। इतना क्लियर है सभी को? यस सर। आगे बढ़ते हैं, टूल बॉक्स में कंट्रोल पढ़ना चालू करते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, टूल बॉक्स में ये सारे कंट्रोल्स के नाम देखो। विजुअल बेसिक में हर चीज का नाम पता होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में तीसरा ऑप्शन क्या है, ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में थर्ड ऑप्शन है देखो टॉगल फोल्डर। तो जब इसका नाम पता होगा तभी आप कर पाओगे। क्लियर है? तो इसमें एक ऑप्शन होता है जिसमें आप किसी भी आइकन के ऊपर माउस ले जा करके अगर रखोगे तो उसका नाम दिखाता है। देखो इसका नाम क्या दिखा रहा है, पिक्चर बॉक्स। तो सबसे पहले वाले का नाम क्या दिखा रहा है, पॉइंटर। दूसरे कंट्रोल का नाम क्या है, पिक्चर बॉक्स। तीसरे का नाम क्या है, लेबल। चौथे का नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। फिर है फ्रेम, अगला है कमांड बटन, कमांड बटन। अगला है चेक बॉक्स, अगला है ऑप्शन बटन। ये सब चीज को नोट्स मिलेगा आपको, नोट्स में लिखना। अभी जब नोट्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अगला है कॉम्बो बॉक्स, अगला है लिस्ट बॉक्स। मैं सभी का नाम एक एक बार दिखा दे रहा हूँ। इसको बोलते हैं एच स्क्रॉल बार या हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। इसको बोलते हैं वी स्क्रॉल बार या वर्टिकल स्क्रॉल बार। टाइमर, ड्राइव लिस्ट बॉक्स, डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स, फाइल लिस्ट बॉक्स, शेप कंट्रोल, लाइन कंट्रोल, इमेज कंट्रोल, डेटा कंट्रोल, OLE कंट्रोल। क्लियर है? तो अब इनको बना के देखते हैं। देखिए कंट्रोल की खासियत क्या होती है कि इस एक कंट्रोल से कई ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्स, इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसका नाम हुआ टेक्स्ट वन। फिर टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, ये एक ऑब्जेक्ट बनाया। फिर टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, ये ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है? अब यहाँ से ये एक प्रकार का सांचा होता है। जैसे हमको कोई मूर्ति बनानी होती है तो सांचा बनाते हैं और उससे कई मूर्तियां बना लेते हैं। फिर इसमें अलग अलग हम कलर कर सकते हैं। एक्चुअल वर्किंग इस पे हो रही है। देखिए मैंने इसको पहले वाले को सेलेक्ट किया, चारों तरफ डॉट आ जाएंगे, इसका मतलब ये सेलेक्टेड है। और जिसको भी हम सेलेक्ट करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्प्ले होती है। तो जैसे मैंने इसको ऊपर ले गया, ये प्रॉपर्टी ए बी सी डी के अकॉर्डिंग दिख रही है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा बैक कलर। बैक कलर प्रॉपर्टी में क्या कलर सेट है, व्हाइट। मैं यहाँ पर गया और पैलेट कलर में जाके यहाँ पर पिंक ले लिया। देखिए इसका कलर पिंक हो गया, यानी कि ये एक प्रकार का सांचा है। इससे तीन मूर्ति हमने बनाया, पहले मूर्ति में पिंक कलर कर दिया। फिर मैं दूसरी को सेलेक्ट कर रहा हूँ, दूसरे को सेलेक्ट करने पर यहाँ पर टेक्स्ट टू आएगा। देखिए ठीक है, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पर टेक्स्ट टू आ गया और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट व्हाइट आ रहा है। मैंने इसको ले लिया पैलेट कलर में जाके येलो और तीसरे को सेलेक्ट किया, यहाँ पैलेट कलर में जाकर के मैंने लिया ग्रीन। क्लियर है? तो इस तरीके से एक सांचे से मैंने तीन मूर्ति बनाई या तीन ऑब्जेक्ट बनाया और तीनों में अलग अलग प्रॉपर्टीज दे दी। पहले की प्रॉपर्टी दिया कलर इक्वल टू दिस, दूसरे में कलर इक्वल टू दिस यानी कि येलो, तीसरे में। तो एक कंट्रोल से कई ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, लेकिन एक्चुअल वर्किंग किस पे होती है, ऑब्जेक्ट पे। जब मैं यहाँ से रन करूंगा तो फॉर्म इस तरीके से दिखेगा। रन किस पे हो रहा है, ऑब्जेक्ट पे। एक्चुअली मूर्ति जो बन रही है वो है, लेकिन ये मूर्ति किससे बनाई गई है, सांचा। यानी आपके पास पहले से बने बनाए बहुत सारे सांचे हैं यहाँ पर, इसको हम कंट्रोल बोलते हैं। उससे आप आसानी से बहुत अच्छे अच्छे कंट्रोल्स बना सकते हैं और ये सारे कंट्रोल्स आप देखे भी होंगे पहले। ठीक है, कंप्यूटर में ये स्टैंडर्ड कंट्रोल हमेशा देखने मिलते हैं। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि कौन सा कंट्रोल कैसा दिखता है फॉर्म पर आने के बाद और उसका क्या काम है। पहला कंट्रोल जो दिख रहा है पॉइंटर, इसका काम होता है दूसरे कंट्रोल को
कि प्लेस को चेंज करना या उसको रीसाइज करना, उसकी साइज छोटी बड़ी करना, ठीक है, ये यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, क्लियर है। दूसरा पिक्चर बॉक्स कंट्रोल, यहाँ पर आप बॉक्स बनाओगे, एक पिक्चर एक बॉक्स बन जाती है और इसके अंदर आप कोई इमेज को डिस्प्ले कर सकते हो। कैसे डिस्प्ले करते हैं वो बाद में देखेंगे, मैं केवल दिखा देता हूँ कि पिक्चर डिस्प्ले कैसे होती है। मैं कोई पिक्चर यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, ये प्रोसीजर हम बाद में देखेंगे कि पिक्चर कैसे ऐड करते हैं। तो देखेंगे कि हम यहाँ पर एक पिक्चर हमने ऐड कर ली है, क्लियर है। तो पिक्चर बॉक्स का काम होता है किसी फॉर्म पर पिक्चर को ऐड करना, क्लियर है। वैसा ही लेबल, यहाँ पर अगला है लेबल, जिसमें ए लिखा हुआ है और लेबल में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका काम होता है किसी टेक्स्ट को डिस्प्ले करना। जैसे मैं लिखा एंटर योर नेम, तो एंटर योर नेम लिखने से क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे आसानी से। ठीक है, एंटर योर नेम, तो यहाँ पर मैंने एंटर योर नेम लिखा और इस तरीके से ये अगला टेक्स्ट बॉक्स आपने देखा है। इसके बाद है फ्रेम कंट्रोल, ये फ्रेम कंट्रोल का काम क्या होता है, ग्रुप करना, किसी भी कंट्रोल को ये ग्रुप करता है। देखिए मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि जगह बने। ग्रुप कैसे करते हैं देखते हैं, यहाँ पर तीन टेक्स्ट बॉक्स बने हुए हैं, तो अगर मुझे इन तीनों को इधर खसकाना है तो एक एक करके खसकाना पड़ेगा ऐसा। मुझे तीनों को डिलीट करना है तो तीनों को एक एक करके डिलीट करना पड़ेगा, तो ज्यादा अच्छा क्या है, मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं इसको इसके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ फ्रेम के ऊपर। तो फ्रेम के ऊपर पेस्ट करने से क्या होता है कि अगर मैं फ्रेम को खसकाऊंगा तो तीनों एक साथ जाएंगे, देखो ऐसा। इसका काम होता है ग्रुप बनाना, कंट्रोल्स का ग्रुप बनाना, क्लियर है, एग्जाम में फ्रेम कंट्रोल पूछता है। अगला है कमांड बटन, कमांड बटन स्क्रीन पर आने पर ऐसा दिखता है और इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ लॉगिन, तो जब इसको आप रन करोगे तो ऐसा दिखाई देगा ये, और लॉगिन पर क्लिक करने पर काम होगा, ऐसा देखे भी होगे पहले कभी। तो इसको बंद करते हैं। अगला कंट्रोल है चेक बॉक्स, ये ऐसा दिखता है। अगला है ऑप्शन बटन, ये ऐसा दिखता है। चेक बॉक्स और ऑप्शन बटन की वर्किंग समझिए, मैं रन कर रहा हूँ। चेक बॉक्स में एक साथ मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एक बार में एक ही सेलेक्ट हो रहा है, देखिए तीनों में से केवल एक ही सेलेक्ट होगा। तो ऐसे कई ऑप्शन जहां पर आप मल्टीपल सिलेक्शन करते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखा 10th, यहाँ पे लिखा 12th, यहाँ पे लिखा मैं बीकॉम या बीसीए, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखा मेल और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फीमेल, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब देखिए ऐसे कई ऑप्शंस होते हैं जहां पर हमको एक से अधिक सिलेक्शन चाहिए। जैसे मैं पूछ रहा हूँ आपने क्या क्या किया, आप 10th भी कर सकते हो, 12th भी कर सकते हो और बीकॉम, तीनों चीज की डिग्री आपके पास हो सकती है। लेकिन अगर मैं बोलूं आपका जेंडर क्या है, तो या तो आप मेल होगे या तो फीमेल होगे, दोनों को एक साथ आप सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो यूजर गलती ना करे, जहां पर हमको सिंगल सिलेक्शन चाहिए होता है वहां पर ये लेते हैं और जहां मल्टीपल सिलेक्शन चाहिए रहता है वहां पर ये लेते हैं, ताकि यूजर कम से कम गलती करे, क्लियर है। तो इसको बोलते हैं चेक बॉक्स और इसको बोलते हैं ऑप्शन बटन। अगला देखते हैं, यहाँ पर आपका दिख रहा है ये कम्बो बॉक्स, ये भी आप देखे होंगे, ये दिख रहा है आपका लिस्ट बॉक्स, ठीक है, इमेज को हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। तो आप देखो कि कम्बो बॉक्स कैसा दिखता है, ऐसे क्लिक करने से यहाँ पे लिस्ट ओपन होती है और लिस्ट बॉक्स में यहाँ पर लिस्ट दिखती है। तो मैं इसको दिखा देता हूँ कैसे लिस्ट दिखेगी। यहाँ पर मैं रखा एक लिस्ट प्रॉपर्टी होती, कैसे ऐड करते हैं वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, अभी बस मैं दिखा रहा हूँ कैसा दिखता है। अमन महेश सुरेश, तीन नाम दिया मैंने, वैसे लिस्ट में भी मैंने तीन नाम दे रहा हूँ, सेम नाम अमन
महेश और सुरेश। तो देखिए जब मैं रन करूंगा तो कॉम्बो बॉक्स में ऐसा क्लिक करने पर ये लिस्ट आएगी और इसमें ऐसा लिस्ट यहाँ पर हमेशा डिस्प्ले करेगी। तो ये जो है ये भी लिस्ट दिखाता है, ये जो है ये भी लिस्ट दिखाता है, लेकिन ये स्क्रीन पर कम जगह घेरता है, जब जरूरत रहती है तब ये ड्रॉप डाउन देता है और ये हमेशा स्क्रीन पर दिखाता है। इसमें आप केवल एक ही सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें एक से अधिक मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं करके दिखाता हूँ, अगर आपको इसमें मल्टीपल सिलेक्शन करना है, मैं ऐसा कर दूंगा, तो अब देखो इसमें से केवल आप एक सेलेक्ट कर सकते हो लेकिन इसमें दो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों में अंतर समझ में आया, दोनों ही लिस्ट दिखा रहे हैं, ये सिंगल सेलेक्शन है, ये मल्टीपल सेलेक्शन है, ये कम स्पेस घेरता है, ये ज्यादा स्पेस घेरता है, और अपने अपने अलग अलग जगह पे दोनों का अपना अपना अलग अलग रोल है। क्लियर है? तो ये आपका है सिंगल सिलेक्शन और ये है आपका मल्टीपल सिलेक्शन, इसको बोलते हैं कॉम्बो बॉक्स और इसको बोलते हैं लिस्ट बॉक्स। अगला कंट्रोल देखते हैं आपका, ये है हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार और ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये भी आपने कहीं देखा होगा कंप्यूटर में, इसको इस तरीके से मूव कर सकते हैं, इसको इस तरीके से मूव कर सकते हैं। क्लियर है? इसको आपने यहाँ पर देखा होगा जब मैं एमएस वर्ड ओपन करते हैं हम, ये एमएस वर्ड ओपन हो गया, ये दिख रहा है ऐसा स्क्रॉलिंग, ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार और इधर है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। जब आप इसको बड़ा करोगे तो आएगा ये देखिए नीचे दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। क्लियर है? अगला देखते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बाद है टाइमर कंट्रोल। टाइमर का यूज होता है किसी टाइम को चलाने के लिए, जैसे मैं यहाँ पे रखा और मुझे यहाँ पे क्लॉक बनानी है, तो देखिए कितने इजीली मैं यहाँ पर क्लॉक बना सकता हूँ। कैसे बनाते हैं वो बाद में देखेंगे, मैं इसमें एक लाइन का कोड करूंगा, डबल क्लिक किया मैंने, लिखा लेबल 1 इक्वल टू टाइम। कैसे कर रहे हैं देखते, खाली हम यूज देख रहे हैं कि किस तरीके से इस टाइमर से यहाँ पर टाइम दिखेगा। जब मैं इसको रन करूंगा तो देखो यहाँ पर टाइम दिख रहा है 10:08:27 और ये सेम यही टाइम है जो कंप्यूटर में यहाँ पर दिख रहा है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम। टाइमर कंट्रोल के बाद ये कुछ और कंट्रोल्स हैं जिससे हम शेप वगैरह बना सकते हैं। तो ये सारे कंट्रोल्स थे, ठीक है? इनका यूज आप देखे होंगे कहाँ पर, किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर में। जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, ये मैंने ओपन किया एमएस वर्ड, आप पढ़े होंगे तो ये देखो ये जो चीज बनी हुई है ना, एक इसमें ये जो दिख रहा है देखो ये चेक बॉक्स है, अभी आपने देखा था ना चेक बॉक्स, ये वही है। ये कॉम्बो बॉक्स है, ये देखो ये लिस्ट बॉक्स है, ये फ्रेम कंट्रोल है जिसमें फॉन्ट ऐसे लिखा हुआ है, देखो इफेक्ट लिखा हुआ है ना, ये फ्रेम है। तो इसका मतलब ये जो एमएस वर्ड का ये जो डायलॉग बॉक्स है, ये बटन है, इसको बनाया गया है विजुअल बेसिक में। एमएस वर्ड का ये जो बॉक्स है किसमें बनाया गया है, विजुअल बेसिक में। ऐसे ही आप इसमें ये वाला देख सकते हो, ये देखो ये कम्बो है, ये चेक बॉक्स है, ये बटन है, इस तरीके से आप बना सकते हो। क्लियर है? तो इतना जो हमने देखा अभी, ये चीज आपको क्लियर हुई सभी को कि हमने ये कंट्रोल्स देखे, ये क्लियर हुआ अभी? तो ये हमने कंट्रोल्स के बारे में देखा जिसमें 21 स्टैंडर्ड कंट्रोल्स थे और उनकी प्रॉपर्टीज हम अगली क्लास में देखेंगे। क्लियर है? Yes, sir.